प्रणाम। आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि बच्चों को कैसे योग कराएं, क्योंकि हम लोग तो बैठ जाते हैं, आसन प्राणायाम ध्यान करते हैं, लेकिन जब बच्चों को हम यही योग की क्रियाएं करने के लिए बोलते हैं तो वो करने के लिए बैठेंगे तो दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे या बीच बीच में आंखों को खोलेंगे, देखेंगे, उनका मन नहीं लगेगा, उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो इसी को कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से कराया जा सकता है, क्योंकि योग उनको बहुत जरूरी है उनके फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट के लिए। योग के अनेक फायदे बच्चों को होने वाले हैं, तो उनको खेल खेल में कैसे सिखाएं, इसके लिए हमने कई प्रकार के गेम्स डिजाइन किए हैं कि कैसे खेल खेल में आसन कैसे कराएं, प्राणायाम कैसे कराएं और ध्यान कैसे कराएं उनको। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को प्राणायाम कैसे कराएं। हम प्राणायाम करते हैं, बैठते हैं तो लंबी गहरी सांस लेते हैं, फिर रोकते हैं, फिर यहां से छोड़ना है, ये बच्चों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे कराएंगे उनको। उसके लिए हमें केवल एक कागज की नाव चाहिए होगी। कागज की नाव हम सब लोग बनाना जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो सीख लेंगे, और इसके बाद में हम एक ऐसी नाव बना लेंगे। ये नाव बनाने के बाद में हमारा गेम शुरू हो जाएगा, उनको हम बोलेंगे कि इस प्रकार से उनको ये गेम खेलना है। उसके लिए कागज की नाव बना करके उनको इस प्रकार से लेटने के लिए बोलना है। यह है खेल इंडिविजुअल, किसी एक बच्चे को भी कराया जा सकता है या ग्रुप में भी कराया जा सकता है, क्लासरूम में, कहीं भी, स्कूल में, इसको ग्रुप में भी कराया जा सकता है। उनको एक बात बोलनी है कि जैसे एक या तो हम वीडियो दिखा दें या बच्चों ने देखा है तो उनको थोड़ा सा कनेक्ट करें पहले, कि जब नदी में या समुद्र में नाव होती है और लहर आती है, बड़ी लहर आती है, तो नाव उसमें पानी की लहर के साथ ऊपर जाती है, जब लहर नीचे आती है तो नाव पानी की लहर के साथ नीचे आती है। ठीक वैसे ही ये गेम है, यह एक नाव है और आपका जो पेट है यह एक नदी या समुद्र है की तरीके से है, और यहां पर आपका ये नाव है, इसमें लोग बैठे हैं, ये नाव गिरनी नहीं चाहिए। आपको जब लहर आएगी, मैं जब बोलूं कि पानी की लहर आ रही है, लंबी लहर आ रही है, बड़ी लहर, तो आपको सांस फूलते हुए ऊपर ले जाना है नाव को। लहर जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो आपको सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है, कुछ देर के लिए उसको ऊपर भी होल्ड कराना है। आइए देखते हैं कैसे कराएंगे। ऐसे लेटने के लिए बोल देंगे, आरामदायक स्थिति में लेट जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि पानी की लहर आई, लंबी लहर, बड़ी लहर आ रही है, सांस को फुलाइए और फुलाइए, नाव गिरनी नहीं चाहिए, हाथ से टच नहीं करना है उनको, बोलना है कि हाथ नीचे रखना है, और लंबी लहर, बड़ी लहर, और फुलाइए और फुलाइए और फुलाइए, देखिए किसकी नाव सबसे ऊपर जाती है। नाव को रोक करके रखिए कुछ देर के लिए, ऊपर ही देखते हैं कितनी देर किसकी नाव ऊपर लहर में रुकती है। अब लहर धीरे धीरे जा रही है, आपकी नाव नीचे आ रही है लहर के साथ, नीचे नीचे, इसमें आपको सांस को छोड़ना है, और सांस छोड़िए और सांस छोड़िए, पानी की लहर और नीचे गई, फिर से लंबी लहर आ रही है, बड़ी लहर, और सांस लीजिए और सांस लीजिए, पेट को और फुलाइए। अब ऊपर रोकने के लिए बोल सकते हैं, कई बार उनको छोड़ने के लिए भी बोल सकते हैं, कई तरीके से इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। इसके बाद में फिर से नीचे आ रही है नाव, तो बच्चे इसमें सांस लेंगे, रोकेंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे। प्राणायाम में हम तीन क्रियाएं मुख्य रूप से करते हैं, श्वास को लेते हैं, रोकते हैं और छोड़ते हैं। पूरक, रेचक और कुंभक, योग की भाषा में हम इसे कहते हैं। जब हम श्वास को लेते हैं तो हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा स्टेमिना बढ़ता है, हम श्वास को रोकते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। इस समय इसको करने से बहुत ढेर सारे लाभ हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उनका लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगा, उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। इसके कई रिसर्च इसमें हुई है कि जो ब्रीदिंग का या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं बच्चे, उनमें इरिटेशन लेवल और जो एडजस्टमेंट स्किल है वो भी बढ़ती है। तो बच्चों में एडजस्टमेंट लेवल बढ़ेगा, इरिटेशन कम होगा, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा उनका। प्राणायाम के बहुत ढेर सारे लाभ हैं, उनको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम जो होता रहता है वो समस्या भी नहीं होगी। तो खेल खेल में इस प्रकार से उनको ये प्राणायाम जो है 5 से 10 मिनट भी करा सकते हैं, हालांकि 5 मिनट बहुत है, दिन में एक कभी भी समय मिले तो उनको कराया जा सकता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल योग एजुकेशन में हम आपके साथ में इस प्रकार के और भी वीडियोस साझा करेंगे, जिसमें खेल खेल में कैसे बच्चों को योग कराया जा सकता है इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।